नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल पीएस मोटो हब में। तो आज अपने पास द ऑल न्यू टाटा पंच प्योर बेस मॉडल, जो कि काफ़ी ज़्यादा डिमांड में रहता है, क्योंकि भाई जिस प्राइस रेंज में आपको यहाँ पे 5-स्टार रेटेड सेफ्टी मिल जाती है ना, मेरे हिसाब से आज की डेट में ये माइक्रो एसयूवी धमाल मचा रही है मार्केट में। जो आपको फ्रंट से लुक भी मिल जाती है, काफ़ी भाई एक बड़ा सा सीन देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे अपनी साइड अगर प्रोफाइल की बात करें ना, तो यहाँ पे भी गाड़ी भाई काफ़ी सही लगती है, छोटी सी कॉम्पैक्ट सी, ऐसा आप चेक कर सकते हो। ओवरऑल बेस मॉडल की जो प्राइसिंग है ना, देख के तो मज़ा सी आ जाती है, क्योंकि अभी भी ये गाड़ी आपको 6 लाख एक्स शोरूम में मिल रही है। और फीचर पैकेज भी काफ़ी बढ़िया है, सेफ्टी फीचर्स के साथ साथ आपको एक प्रॉपर, आपको यहाँ पे फिट एंड फिनिश भी प्रॉपर मिल जाती है। जैसा इंटीरियर अगर आप चेक करोगे ना, तो बेस मॉडल में भी अपने को कुछ ऐसा इंटीरियर मिल जाता है डुअल टोन फिनिश के साथ। और पीछे अपने को जो स्पेस है यहाँ पे काफ़ी सही देखने को मिल जाती है, आराम से बैठ सकते हो। और ये है अपनी प्यारी सी टायर पंचर किट, जो आज भी टाटा हम लोग को प्रोवाइड करता है। बाकी यहाँ पे एडिशनल फीचर्स अगर आपको बताएं, 90 डिग्री फोल्डिंग वाले अपने डोर्स आ जाते हैं, चारों के चारों डोर्स। और यहाँ पे अगर वीडियो में फ्रंट से अगर शुरुआत करें ना, तो गाड़ी की ओवरऑल लुक कुछ ऐसी लगती है। फ्रंट से अपने को हेलोजन हेडलैम्प्स, टाटा का लोगो, हनीकॉम शेप की ग्रिल मिल जाएगी मस्त सी। यहाँ पे प्रॉपर अपने को पार्क लाइट, बल्ब बेस्ड इंडिकेटर और हेलोजन हेडलैम्प्स का सेटअप मिल जाता है कुछ ऐसा। जो फ्रंट की लुक है वो काफ़ी ज़्यादा आपको पुरानी वाली नेक्सॉन या हैरियर की याद दिलाएगी, हालांकि अब तो नई वाली नेक्सॉन और हैरियर सब आ गई हैं, जैसा आप वो चेक कर सकते हो। और यहाँ पे अपने पास नई वाली नेक्सॉन भी है, नेक्सॉन ईवी भी है। और अब साइड प्रोफाइल पे अगर देखें ना, तो R15 साइज़ का व्हील साइज़ मिल जाएगा। फ्रंट में तो अपने को डिस्क मिलेगी, बट पीछे अपने को ड्रम ब्रेक्स मिल जाएंगे इसके अंदर। पावर एडजस्टेबल वॉल्यूम अपने को यहाँ पे बेस मॉडल में नहीं मिलता है, इसको आपको हाथ से एडजस्ट करना पड़ेगा, सच बताऊँ तो। और एक चीज़ और आपको अगर दिखाएं, तो यहाँ पे ब्लैक कलर का पूरा फिनिश है। और उस साइड से अगर आप इसका एडजस्टमेंट देखोगे ना, तो यहाँ पे सब आपको केवल 2 पावर विंडोज दी गई है। यहाँ पे एडजस्टमेंट आपको कुछ ऐसे ही करना पड़ेगा इस गाड़ी के, तो थोड़ा सा भाई आपको इतना तो मैनेज करना ही पड़ेगा। और साइड प्रोफाइल से एक बार फिर गाड़ी देखते हैं ना, तो ऊपर अपने को रूफ रेल्स वगैरह तो कुछ नहीं मिलेगी, ब्लैक कलर की डोर हैंडल्स है। और ये आप जो कलर चेक कर रहे हो, ग्रे कलर है इस गाड़ी का, डेटोना ग्रे। नीचे आपको बड़ी बड़ी क्लैडिंग से देखने को मिल जाती है, जो कि भाई काफ़ी मस्त है। ओवरऑल इंटीरियर कुछ ऐसा लगता है अपनी टाटा नेक्सॉन, सॉरी टाटा पंच प्योर बेस एंड वेरिएंट का। सिंगल रूफ लैंप यहाँ पे अपने को मिल जाएगी, और फ्रंट में मैनुअल एसी है। इन सारी चीज़ों की बात अभी डीप में पूरी पूरी करेंगे। और कुछ ऐसी मिल जाती है पीछे की लुक टाटा पंच की, बल्ब बेस्ड लैंप है। अगर आप टॉप एंड मॉडल लेते हो, तो यहाँ पे आपको ट्राई क्रॉस वाले एलईडी हेडलैम्प्स मिलते हैं, लेकिन बेस मॉडल में भी काफ़ी सही चीज़ें हैं। पीछे से लुक कुछ ऐसी आ जाती है टाटा पंच की। नीचे अपने को रिफ्लेक्टर्स दिए गए हैं, यहाँ पे अपने को स्टॉप माउंट लैंप, सॉरी बैक वाला सेंसर है, और ये स्टॉप माउंट लैंप है, मैं भी भूल गया था। और यहाँ पे एंटीना वगैरह कुछ नहीं है, कुछ ये सीन मिलता है अपने को बूट स्पेस में। साइड में बॉटल होल्डर भी है। स्पेयर व्हील की अगर बात करें ना, तो यहाँ पे अपने को R15 साइज़ का ही बढ़िया सा स्पेयर व्हील मिल जाएगा। और इंटीरियर कुछ ऐसा लगता है दोस्तों, द ऑल न्यू टाटा नेक्सॉन टाटा पंच प्योर बेस मॉडल का। प्राइस वगैरह की एक बार फिर बात बताएं, तो 6 लाख रुपए एक शोरूम है, जो कि आपको ऑन रोड करीब 7 लाख की पड़ जाती है। तो 7 लाख रुपए में भी आपको एक बढ़िया सा चीज़ मिल जाएगा, 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ सारी बढ़िया चीज़ें हैं। बाकी मीटर की बात बताएं ना, तो कुछ ऐसा मिलता है अपने को टाटा पंच के अंदर मीटर। इंटीरियर वाइज लुक में तो काफ़ी सही है, ये भाई साहब खाली खाली है, इधर आपको टच स्क्रीन लगवाना पड़ेगा इस गाड़ी में। IRVM काफ़ी छोटा सा है, लेकिन विजिबिलिटी के मामले में आप चेक कर सकते हो, काफ़ी सही आपको वेव आएगा। थोड़ा सा छोटा लग रहा है, इसको और बड़ा होना चाहिए था। बाकी यहाँ पे वैनिटी मिरर नहीं है, बट टिकट होल्डर मिल जाता है इस वाले बेस मॉडल में। 5-स्पीड गियरबॉक्स, बढ़िया सा अपना रिवर्स गियर आपको यहाँ पे विजिबल हो जाएगा।
और यहाँ पे काफी सारी आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है, जैसा आप चेक कर सकते हो अपना स्पीडोमीटर टैकोमीटर दोनों है, बीच में MID है, यहाँ पे अपना ओडोमीटर दे रखा है, इंजन टेम्परेचर भी है, इंस्टेंटेनियस एवरेज, फ्यूल, सारी चीज़ें मिल जाती हैं बेस मॉडल में भी। एडजस्टमेंट की बात करें ना तो यहाँ पे भी भाई एडजस्टमेंट अच्छा खासा दे रखा है। और एक चीज़ आपको और बतानी, इको मोड है आइडल स्टार्ट स्टॉप फंक्शन के साथ। नीचे अपने को काफ़ी दो कप होल्डर दे रखे हैं, 12 वाट्स का आउटपुट चार्जर भी है और यहाँ पे फ़ोन रखने की अच्छी खासी स्पेस है। ग्लोव बॉक्स भी भाई काफ़ी बढ़िया स्पेशियस मिल जाएगा। चलो पीछे की सीट्स की और बात कर लेते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ बतानी है आपको, 1 लीटर बॉटल होल्डर है मस्त सा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, स्पेस भी काफ़ी अच्छा है। हालांकि गाड़ी में आपको म्यूज़िक सिस्टम का सारा काम कराना पड़ेगा और मैं ये आपको बता रहा था, ये है इसका 90° ओपनिंग वाला डोर। यहाँ पे पीछे पावर विंडो नहीं मिलेगी। इंटीरियर पे कुछ ऐसा है अपना टाटा पंच का प्योर बेस मॉडल, काफ़ी सही लग रहा है नो डाउट। पीछे बैठने में ना मेरे हिसाब से मेरे जैसे 3 बंदे आराम से जा सकते हो लॉन्ग ट्रिप पे, लेकिन अगर हट्टे कट्टे हो तो 2 ही जाना, वरना भाई साहब बैठने में बड़ी दिक्कत होने वाली है। क्योंकि थोड़ा सा क्या है, अगर आप हाइट आपकी 6 फीट है और 2 बंदे बैठ गए हो तो आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है तीसरे बंदे को बैठने में, लेकिन 2 बंदे मतलब 3 बंदे मेरे जैसे तो बैठ सकते हैं। क्योंकि भाई यार सी बात है, मैं ज़्यादा मोटा तो हूँ नहीं, 5 फुट 4 इंच हाइट है अपनी बस, तो मेरे हिसाब से 3 बंदे की स्पेस मिल जाती है। बाकी पार्सल ट्रे भी है, काफ़ी सही सही चीज़ें हैं नो डाउट। रियर एसी वेंट वगैरह तो नहीं है भाई इसमें, तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा भाई। और बाकी चाइल्ड लॉक तो मिल जाता है यहाँ पे। एक बार अपने को बोनेट और खोल के आपको दिखा दें तो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये है अपना 1.2 लीटर 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन। इंसुलेशन ऊपर तो मिल जाती है, नीचे भाई साहब नहीं मिलेगी। और माइलेज की बात करें ना तो 20.3 KMPL का माइलेज ये आपको प्रोवाइड कर जाता है हाईवे में। बाकी सिटी में एवरेज की बात करें तो 14-15 आराम से मिल जाएगा। अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा एवरेज चाहिए ना तो आप इसका सीधे सीधे CNG वाला वेरियंट खरीद लो, वो भी आपको प्योर में मिल जाएगा। बाकी वीडियो में इतना ही रखते हैं। कैसी लगी आपको द ऑल न्यू टाटा पंच कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। गाड़ी के इग्निशन को कर देते हैं ऑफ और लाइट्स को भी कर देते हैं ऑफ, जिससे भाई साहब बैटरी लो ना हो। बाकी यही रखते हैं पूरा वीडियो में, द ऑल न्यू टाटा पंच के बारे में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।